हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनोमेट्रिक्स की कुछ अच्छी किताबों के बारे में। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर ही प्रॉब्लम रहती है कि हमने पहले नहीं पढ़ा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अचानक से इसकी प्रिपरेशन कैसे करें हम, है ना। सो, बहुत सारे लर्नर्स की इसके रिलेटेड मेरे पास क्वेरीज आती हैं, तो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स की कुछ अच्छी किताबें जो है वो सजेस्ट कर सकूँ। सो, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, मैं बात करूंगी आज इकोनोमेट्रिक्स की तीन बुक्स की। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिन्होंने पहले इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी है अपनी बैचलर्स में, मास्टर्स में, और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उसको दोबारा पढ़ना है और अच्छे से। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं इनको मैं पहली कैटेगरी में रखूंगी। दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे दूसरी कैटेगरी के जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स पहले नहीं पढ़ी हुई और उनको एकदम मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं बेसिक से, दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनोमेट्रिक्स जो है वो पहले नहीं पढ़ी हुई और उनको कुछ सेल्फ स्टडी से अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने हैं, तो उनके लिए ये एक बुक आती है बिल्कुल ही बेसिक लेवल की, स्टार्टिंग लेवल की ये बुक है, टेक्स्ट बुक ऑन इकोनोमेट्रिक्स। ये देख लीजिए, श्यामला नवदीप कौर, ये बुक है। ये बड़े ही बेसिक लेवल की इकोनोमेट्रिक्स की बुक है, इसमें एडवांस नहीं है कुछ भी, बेसिक चीजें। मतलब अगर आपने बेसिक लेवल से इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी हुई, पढ़नी स्टार्ट करनी है, तो सेल्फ स्टडी से आप इस बुक से अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये बुक्स आपने खरीदनी है ऑनलाइन तो इनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बुक्स के नाम के साथ, तो आप वहां से डायरेक्टली इनको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए पहली बुक मैंने आपको दिखाई, छोटी सी बुक है, बेसिक्स। इसमें बड़े अच्छे से मल्टी कॉलिनैरिटी, हेटरोस्डासिटी की ये प्रॉब्लम जो है आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है, मतलब सेल्फ स्टडी से अगर आप इकोनोमेट्रिक्स बेसिक लेवल से क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरी बुक की यहाँ पे बात करूंगी। ये जो बुक है नॉर्मली जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती है, गुजराती की बुक है ये, दामोदर गुजराती की बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की। तो बेसिकली जब भी कोई पूछता है इकोनोमेट्रिक्स की बुक तो सबसे पहला नाम गुजराती की बुक का ही आता है, तो ये बुक भी अच्छी है। बट यही चीज मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो एकदम से मतलब आपने पहले कुछ भी इकोनोमेट्रिक्स में नहीं पढ़ा, आप कहीं कि गुजराती ले लेंगे, इससे सेल्फ स्टडी से चीजें समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो अगर आपने पहले इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी हुई तो। इसलिए मैंने आपको पहले सबसे बेसिक वाली बुक रिकमेंड की। ये बुक अच्छी है, मोटी बुक है, देखिए। सो आपको ये बुक अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, सारी की सारी नहीं पढ़नी, नेट की तैयारी कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है। अच्छी बुक है, कंसेप्ट इसमें क्लियर कर सकते हैं आप, पहले थोड़े बहुत आप पे कंसेप्ट क्लियर हो तो इस बुक को पढ़ने से सेल्फ स्टडी से और ज्यादा कंसेप्ट में आपके निखार जो है वो आ सकता है, ठीक है। और सबसे जो अच्छी बुक और सबसे एडवांस लेवल की बुक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एक्चुअल में इकोनोमेट्रिक्स की बुक, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वो ये है बुक, कुटोसेंस की बुक है ये, थ्योरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो बुक है ये मेरी फेवरेट है, इसमें एडवांस लेवल का इकोनोमेट्रिक, मतलब जब आप गुजराती पढ़ेंगे ना तो आपको गुजराती पढ़ने के बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमको गुजराती से समझ में ही नहीं आई थी, या हमको ये चीजों का पता ही नहीं था, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे इससे क्लियर हो गए। बट ये थोड़ी एडवांस लेवल की है, इसमें कुछ ऐसे चीजें आप देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं उनको सॉल्व किया होता, तो वो आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी फिर ही आप उनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एडवांस लेवल की ये बुक है, इससे पहले बेसिक बुक पढ़ के ही इस बुक की तरफ आइएगा, ठीक है। तो ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपकी इकोनोमेट्रिक्स काफी अच्छे से, आपको इकोनोमेट्रिक्स समझ आ जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट है या यूपीएससी है, तो ये बुक, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो यही तीन बुक्स का आप आज रिव्यू करना था, इन तीन बुक्स के बारे में मैंने आपको आज जानकारी दी। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को जैसे ही आप फॉलो करते हैं, जहां पर भी मेरी जब भी क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस, उन सबकी डिटेल्स आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है। और मेरी जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।